आता बघू आपण एक महत्त्वाचा कन्सेप्ट. कन्सेप्ट बघायचं आपल्याला ग्लायकोलिसिस. काय बघायचं आहे? ग्लायकोलिसिस. ऍक्च्युअली ग्लायकोलिसिस जे आहे ना 10 स्टेप रिएक्शन आहे, पण दोन फेज मध्ये कंप्लीट होते. किती फेज मध्ये? दोन फेज मध्ये. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस जी एक कॉमन पाथवे आहे एरोबिक आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोघांमध्ये पण होतो. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये पण ग्लायकोलायसिस होते आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये सुद्धा ग्लायकोलायसिस प्रोसेस होते. मग आता महत्त्वाचा विषय असा आहे, आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी करायला सुरुवात केलं होतं कोणतं रेस्पिरेशन बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन. तर या एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये एरोबिक रेस्पायरेशन तर या एरोबिक रेस्पायरेशन मध्ये आपण बघितलं की एरोबिक रेस्पिरेशन किती स्टेप मध्ये कंप्लीट होते. तर एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होते किती स्टेप मध्ये? 10 स्टेप. कोणत्या कोणत्या 3 स्टेप होतं? फर्स्ट स्टेपला म्हणतो आपण काय बेटा? ग्लायकोलिसिस. नंतर काय म्हणतात बेटा? सेकंड वन इज द ग्रेब सायकल. ग्रेब सायकल ओके. आणि नंतर काय म्हणतो बेटा आपण? त्या ठिकाणी ग्रेब सायकल ओके. आणि सी नंबर जो घेतले आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम किंवा त्याला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन सुद्धा म्हणतात ओके. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन. अब क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या बेटा? ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस यानी क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस ये जो स्टेप है फर्स्टली डिस्कवर्ड किए साइंटिस्ट ने इम्डेन मेयरहॉफ और पार्मस ने. किसने बेटा? इम्डेन मेयरहॉफ और पार्मस. इम्डेन मेयरहॉफ एंड पार्मस. कौन बेटा? पार्मस. इन साइंटिस्ट ने इसे क्या किया बेटा? फर्स्टली डिस्कवर्ड किया. देयरफॉर ग्लाइकोलिसिस साइकिल को हम क्यों ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को हम और में क्या कहते हैं बेटा? तो हम उसे ईएमपी पाथवे कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? ईएमपी पाथवे. ई स्टैंड फॉर इम्डेन, एम स्टैंड फॉर मेयरहॉफ और पी स्टैंड फॉर पार्मस. सो ग्लाइकोलाइसिस को हम और में क्या कहते हैं बेटा? ईएमपी पाथवे भी कहते हैं. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? ग्लाइकोलाइसिस नॉर्मली टेक्स प्लेस एट द साइटोप्लाज्म. जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाती है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट कितने स्टेप्स में होती है बेटा? तो दो स्टेप्स आती है ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, अब वो देखेंगे. फर्स्टली क्या हो जाएगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज कहां आ जाएगा बेटा? सेल के अंदर आ जाएगा. इसके अंदर आ जाएगा सेल के अंदर. जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाएगा तो साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे कि जो ग्लूकोज को क्या कर देंगे? एक्टिव कर देंगे. क्या कर देंगे? एक्टिव. जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया तो वो कैसा था बेटा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था. कौन से फॉर्म में था बेटा? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में था, यानी वो जनरल फॉर्म में था. ठीक है, कैसे था वो? जनरल फॉर्म. अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया तो वो जनरल फॉर्म में था, ग्राउंड स्टेट में था, वो एक्टिवेटेड नहीं था. तो हम उसे क्या कर दिया? हमने एक्सोकाइनेज के साथ रिएक्ट कर दिया. किसके साथ बेटा? एक्सोकाइनेज के साथ रिएक्ट कर दिया और उसे एनर्जी दे दी. किससे बेटा? एटीपी से. एडीपी कन्वर्ट हो गया, इससे एक फॉस्फेट इसमें ऐड हो गया. ठीक है, तो अब वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी लेके आया और किसमें चला गया बेटा? ग्लूकोज में चला गया. ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. इसमें कन्वर्ट हो गया बेटा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट लिख देता हूं यहां पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? फॉस्फोराइलेशन कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? फॉस्फोराइलेशन. इसे फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, जो कि फर्स्ट टाइम यहां पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है. एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज हुआ है. ठीक है, तो एटीपी का यूज किया, एटीपी का यूज करके ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या कर देगा बेटा? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट हो जाएगा एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज के साथ. किससे? किसके साथ बेटा? फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज के साथ. आइसोमरेज ओके, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा बेटा? आइसोमराइजेशन हो जाएगा.
कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा? आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन बोले तो क्या होता है बेटा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ग्लूकोज का आइसोमर आपको पता ही है, कौन है बेटा ग्लूकोज का आइसोमर? फ्रक्टोज होता है। कौन होता है बेटा? फ्रक्टोज। तो यहाँ पे बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाएगा बेटा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम और क्या कर देंगे बेटा? तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ट्रीटेड हो जाएगा एटीपी के साथ। किसके साथ बेटा? एटीपी, यानी और फॉस्फोराइलेशन होगा यहाँ पे, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? एडीपी। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम एंजाइम का यूज करेंगे, कौन सा एंजाइम बेटा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन बेटा? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करेंगे। और यहाँ पे अगेन फॉस्फेट ग्रुप एड हुआ कि नहीं यहाँ पे? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो रहा है बेटा? फॉस्फेट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे बेटा? फॉस्फोराइलेशन। सेकंड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ, अब यहाँ पे सेकंड फॉस्फोराइलेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे सिक्स नंबर के कार्बन को, फ्रुक्टोज के सिक्स नंबर के कार्बन को क्या अटैच है बेटा? फॉस्फेट। अब ये जो आया इसको अटैच होगा बेटा वन एक नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। और अब क्या होगा, ये जो फ्रुक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट है इसमें क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? क्लीवेज हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? सेपरेट हो जाएगा। और यहाँ पे एंजाइम का कौन से एंजाइम का प्रेजेंस होगा बेटा? अल्डोलेज। कौन से एंजाइम का प्रेजेंस बेटा? अल्डोलेज, फॉस्फोफ्रुक्टो अल्डोलेज। कौन से एंजाइम बेटा? फॉस्फोफ्रुक्टो अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो फ्रुक्टोज 1.6 डाइफॉस्फेट है, ओके, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? तो तीन तीन कार्बन पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखें तो ग्लूकोज हमारे कितने कार्बन का बेटा? सिक्स। ये भी कितने कार्बन का है? सिक्स। और ये भी कितने कार्बन का है बेटा? सिक्स। ये भी कितने कार्बन का है? सिक्स कार्बन। तो अब ये क्लीवेज हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ये जो फ्रुक्टोज है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, थ्री थ्री कार्बन कंटेंट। तो एक पार्ट जो उसे क्या कहेंगे बेटा? थ्री पी जी ए एल। और एक होगा कौन बेटा? DHAE। यानी कि 3PGL यानी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड और डिहाइड्रोएसिटोफिनोल, ओके, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें PGAL और DHAPP की, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? आइसोमर है। क्या है बेटा? एक दूसरे के आइसोमर है। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सेपरेट हुए तीन तीन कार्बन कंटेनिंग, ये भी तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये भी तीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? क्लीवेज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्लीवेज। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जब देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया? एनर्जी का यूज किया है। एनर्जी बनी है कि यहाँ पे नहीं? एनर्जी का हमने क्या किया है? यूज किया है। तो इस स्टेप को, ग्लाइकोलाइसिस के इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? प्रिपरेटरी फेज। इसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, ओके। और प्रिपरेटरी फेज को हम और में और क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज। क्या कहते हैं बेटा? क्लीवेज। क्यों क्लीवेज कहते हैं? क्योंकि इस स्टेप में क्या होता है, प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। एक होगा कौन बेटा? 3PGAL और एक होगा DHAPP। अंडरस्टैंड? अब क्या होगा, ये जो 3PGAL है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये 3PGAL जो है वो एंटर हो जाएगा सामने वाले साइकिल में, DHAPP सामने वाले साइकिल में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DHAPP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? 3PGAL में। और DHAPP को 3PGAL में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा आइसोमराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? आइसोमराइजेशन। इसका इसमें आइसोमराइज़, DHAPP इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमर में। तो अब क्या होगा, जब DHAPP आइसोमर में अगर कन्वर्ट हो गया इसके, तो यहाँ पे एक
मॉलिक्यूल 3PGAL का ऑलरेडी है और ये भी 3PGAL में कन्वर्ट हो गया, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल बन गए 3PGAL के, जिसमें कितने कार्बन है, समझ में आई बात? ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 3PGAL है, 3PGAL की रिएक्शन हो जाएगी हमारे H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, फास्फोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी, और फास्फोरिक एसिड से ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं जाएगा, तो सिर्फ क्या जाएगा बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर चला जाएगा। जब फास्फोरिक एसिड के साथ 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, तब यहां से 2 हाइड्रोजन लॉस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन लॉस हो जाएगी, और यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा NAD कन्वर्टेड इनटू अ NADH2, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लॉस हो गए। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे लॉस हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ और फॉस्फोरिलेशन भी हुआ, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव, क्या कहेंगे बेटा हम इसे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इसमें हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट और ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वैसे के वैसे लिख देंगे, तो ये आपके बन जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो कौन सा होगा बेटा, डीहाइड्रोजिनेज, कौन सा एंजाइम होगा बेटा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, इस एंजाइम को क्या कहते हैं बेटा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, तो एक फॉस्फेट ग्रुप क्या कर देगा, लॉस कर देगा, फॉस्फेट ग्रुप लॉस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो लॉस हो जाएगा, और देखो यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ADP में, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे लॉस हो गया, 2-2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरिलेशन हुआ है तो ये किसमें हो जाएगा बेटा, तो फॉस्फो ग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस, किसके किसके प्रेजेंस में बेटा, फॉस्फो ग्लिसरोकाइनेज, ग्लिसरोकाइनेज, is that clear? Yes. Okay. फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन, यानी क्या हुआ बेटा, यहाँ से फॉस्फेट लॉस हुआ, इसमें फॉस्फेट ऐड हुआ, इसमें फॉस्फेट क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, तो फॉस्फेट लॉस हुआ उसे क्या कहेंगे बेटा, डी फॉस्फोराइलेशन, क्या कहेंगे बेटा उसे, डी फॉस्फोराइलेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब डीफॉस्फोरिलेशन तो हुआ, डीफॉस्फोरिलेशन के बाद एक फॉस्फेट चला गया तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड से एक फॉस्फेट चला गया तो 3PGA में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हो गए इसके, कितने कार्बन के बेटा, 3 कार्बन, समझ में आई बात? अब इसमें क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन होगा, क्या होगा बेटा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा इसमें, और आइसोमराइजेशन होगा मतलब ये आइसोमरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3PGAL का आइसोमर कौन होता है बेटा, 2PGA, 2PGA होता है, 3PGA का आइसोमर क्या होता है बेटा, 2PGA, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 3rd नंबर के कार्बन को अटैच है, तो ये 3rd नंबर से कितने नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर से, कुछ बदलाव आएगा उसमें नहीं, ये सब आइसोमरिक फॉर्म है, और यहाँ पे एंजाइम की प्रेजेंस होगी, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, तो फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बेटा, फॉस्फो ग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो 2PGA कन्वर्ट हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा इसके, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने कार्बन के, 3 कार्बन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्या हो जाएगा बेटा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन यानी कि यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, लॉस, इस PGA से हम पानी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे बेटा, पानी निकाल देंगे, इसको पानी निकाल देंगे, PGA से पानी निकाल दिया, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में बेटा, फॉस्फो ग्लिसरो
फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज। क्या बेटा? फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज के प्रेजेंस में यहां पे हर एक एंजाइम यूज किया जाता है एनोलेज। कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है बेटा? एनोलेज एंजाइम यूज किया जाता है। एनोलेज एंजाइम और फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज के प्रेजेंस में ये जो सोनिया यहां पे फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज में यूज किया जाएगा। सिर्फ कौन यूज किया जाएगा बेटा? एनोलेज यूज किया जाएगा। कौन यूज किया जाएगा बेटा? एनोलेज यूज किया जाएगा। और टू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड। अब यहां से वाटर लॉस हुआ है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन। क्या कहेंगे बेटा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा? दो मॉलिक्यूल। कितने कार्बन के? तीन कार्बन। अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा? ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में डीफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, यानी फॉस्फेट क्या कर देगा बेटा? वो लॉस कर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे क्या बनेगा? एडीपी एब्जॉर्ब कर लेगा फॉस्फेट को और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? एटीपी में। इससे फॉस्फेट लॉस हो गया तो फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा? पाइरुविक एसिड। इसमें बेटा पाइरुविक एसिड जो कितने कार्बन का है? तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम की कौन से एंजाइम की प्रेजेंस होगी बेटा? पाइरुवेट काइनेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कर देगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट लॉस हुआ तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा बेटा? डीफॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा बेटा? डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्म है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी बना सकते हैं। ये भी एनर्जी का फॉर्म है, ये तो एनर्जी का ही फॉर्म है, यहाँ पे भी एनर्जी बने तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये जो सेकेंड वाली स्टेप है तो इसे हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कितने फेज में कंप्लीट होता है बेटा? दो फेज में कंप्लीट होता है। एक प्रिपरेटरी फेज होती है उसे हम क्लीवेज कहते हैं, और एक ऑक्सीडेटिव फेज होती है जिसमें क्या सिंथेसिस होता है? एटीपी सिंथेसिस होता है। प्रिपरेटरी फेज में एटीपी यूज होता है। तो एक ग्लूकोज को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें कितने एटीपी खर्च करने पड़ेंगे बेटा? तो दो एटीपी खर्च करने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पानी के लिए कुछ होना पड़ता है। ठीक है, तो वैसी बात है, अगर ग्लूकोज का डिग्रेडेशन हम पाइरुविक एसिड में करते हैं बाद में पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ठीक, तो उससे फिर क्रेब्स साइकिल होगी, तो क्रेब्स साइकिल हम कल देखेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी? ठीक है, एनी डाउट? सिंपलेस्ट है। ठीक है, चलेगा।